वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री लेसन के एप्लीकेशन बेस्ड जो सम है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो जो था उसका ही ये कंटिन्यूएशन वाला वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने एक सम लिख लिया है, cos थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस sec थीटा अपॉन वन प्लस cosec थीटा। तो ये सम सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे देखना है कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है कि cos थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, और हमें फाइंड क्या करना है, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे cos दिया है, तो cos का यूज करके हमें इनमें से कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं क्या, पहले इसके बारे में सोचना है। तो यस, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec थीटा है, तो इसका वैल्यू तो हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हमें cosec का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा का यूज करके हम cosec का वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम cos को वो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें sin का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार sin का वैल्यू मिल गया तो sin का रेसिप्रोकल होता है cosec। तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो cos थीटा है उसका मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा। अभी यहाँ पे वन अपॉन cos थीटा का वैल्यू क्या है, रूट थ्री अपॉन टू। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टू ऊपर आ जाएगा, यानी कि टू अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पे मुझे sec की वैल्यू मिल गई टू अपॉन रूट थ्री। अभी मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ। अभी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी मुझे इनमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अभी cos थीटा की वैल्यू मुझे पता है, रूट थ्री अपॉन टू, तो यहाँ पे मैं रूट थ्री अपॉन टू लिख लेती हूँ, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करती हूँ इज इक्वल टू वन। तो अभी यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज रह जाएंगे, प्लस रूट थ्री द होल स्क्वायर इज थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करूंगी तो आंसर आता है थ्री, एंड टू का स्क्वायर करूंगी तो आंसर आता है फोर इज इक्वल टू वन। अभी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो मुझे ये साइड में शिफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री अपॉन फोर, वन माइनस थ्री अपॉन फोर। अभी ये जो प्लस थ्री अपॉन फोर है वो ये साइड में चले जाके माइनस थ्री अपॉन फोर बन जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी इसका डिनोमिनेटर कितना है वन है, तो मुझे उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इसका डिनोमिनेटर सेम जो भी होगा तभी इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी साइड में फोर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरा नंबर बन जाएगा फोर और ये भी नंबर बन जाएगा फोर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर भी और नीचे भी फोर फोर से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में फोर फोर से मल्टीप्लाई किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री इज वन, एंड फोर डिनोमिनेटर का एज इट इज रह जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी मुझे साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी कि दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। ये साइड का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पे बस साइन थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिली, वन अपॉन टू, बिकॉज ये नंबर का भी अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है एंड फोर का स्क्वायर रूट क्या है, टू है। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे वन अपॉन टू की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे साइन की वैल्यू मिल गई वन अपॉन टू, तो साइन का मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, और वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल होता है टू। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे देखो आप, मुझे यहाँ पे sec एंड cosec की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे ये मुझे sec की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मुझे ये cosec की वैल्यू मिल गई। अभी ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वन माइनस sec थीटा अपॉन वन प्लस cosec थीटा। अभी यहाँ पे वन मैं एज इट इज लिखती हूँ, माइनस sec थीटा की वैल्यू कितनी है, टू अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, अपॉन वन प्लस cosec थीटा की वैल्यू है टू,
तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। आप देख सकते हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, उसके न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, √3 -2 अपॉन, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो है √3 और इसके अपॉन में क्या आएगा, 1 + 2 = 3। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, √3 -2 अपॉन 3 √3। तो इस तरह से ये मुझे आंसर मिला है। अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड सम लिख लिया है, शो दैट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इन √1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। तो ये सम सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म हमारी है sec x और दूसरी टर्म क्या है हमारी tan x। तो sec x को हम 1 अपॉन cos x, यानी कि sec क्या है कि cos का रेसिप्रोकल है, तो हम sec x को 1 अपॉन cos x इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ sec x की जगह पे 1 अपॉन cos x। अभी यहाँ पे प्लस करके tan x लिखना है, तो मुझे tan x किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x। तो मैं tan x को sin x अपॉन cos x ऐसे लिखूंगी, तो sin x अपॉन cos x। मैंने अभी इस तरह से क्यों लिखा, देखो अभी यहाँ पे दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या आ गया है, cos x आ गया है। अभी यहाँ पे मैं आसानी से इनकी एडिशन भी कर सकती हूँ, यहाँ पे बेस भी सेम है और इनकी एडिशन करूंगी तो 1 + sin x मिलेगा जो कि यहाँ की फर्स्ट टर्म है। तो ये मुझे प्रूव करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिया है। अभी यहाँ पे मैं इनकी एडिशन करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + sin x अपॉन cos x। अभी यहाँ पे मैं आपको ये जो आइडेंटिटी है उसको सिंपल तरह से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान के चलो कि यहाँ पे ये नंबर है 2। अभी ये जो 2 है उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, देखो 2 होल स्क्वायर √2। तो इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होके यहाँ पे फिर से मुझे 2 ही मिलने वाला है। तो ये जो 2 है उसको मैं ये तरह इस तरह से भी लिख सकती हूँ, इसका आंसर चेंज नहीं होता है, इसका आंसर 2 ही होता है, बट यहाँ पे हमने इसको बस अलग फॉर्म में लिख लिया है। तो सेम तरीका मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, इसको भी मैं इसके तरह ही लिखने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो 1 + sin x अपॉन cos x, इनका मुझे स्क्वायर करना है, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया √ का sin। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 + sin x का स्क्वायर है, यानी कि ये टर्म मुझे दो बार लिखनी है, यानी कि 1 + sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x। तो यहाँ पे मैं इस यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 + sin x इन 1 ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट आई विल राइट 1 + sin x अपॉन, यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर x लिखना है। अभी यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर x है उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अभी यहाँ पे हमें हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी उसका यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी, sin²θ + cos²θ = 1, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वो आइडेंटिटी, sin²θ + cos²θ = 1। तो यहाँ पे मैं cos की वैल्यू फाइंड करूंगी, cos²θ = 1 और ये sin² यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 - sin²θ। तो यहाँ पे मुझे cos²θ की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, 1 - sin²θ। तो यहाँ पे cos²θ की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 1 - sin²θ। अब यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे x ही लिखूंगी। तो इस तरह से ये टर्म्स मुझे यहाँ पे मिली है। अभी यहाँ पे साइन ये जो है वो स्क्वायर के टर्म है, तो यहाँ पे मैं 1 को भी है स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है
वो भी वन ही होता है, स्क्वायर रूट भी होता है तो भी वन ही होता है, तो हमें ज्यादा कैलकुलेट कर तो हमें कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी आपको तो ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला में यहाँ पे यूज करके इसको स्प्लिट करने वाली हूँ। कैसे करूंगी, देखो यहाँ पे जो ऊपर की टर्म है वो तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगी, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर क्या है मेरा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये मेरा बन जाएगा ए और ये मेरा बन जाएगा बी, तो यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स एंड वन माइनस साइन एक्स। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वन प्लस साइन एक्स है, ये भी वन प्लस साइन एक्स है, तो इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। अभी यहाँ पे हमारे हर एक टर्म को यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट डाला था, तो वो स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ, अभी यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला, इन रूट वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, तो यही हमें प्रूफ करना था, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमने sec x plus tan x को इन रूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स करके प्रूफ किया। तो इस तरह से हम ये प्रूविंग वाले सम सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।